नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रैनोमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव सरगर्मी बढ़ी। राजनीतिक दल प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे। भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची रविवार तक और कांग्रेस ने सभी स्तर पर विचार विमर्श के बाद जारी करने की कही बात। राज्य में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने ईवीएम वीवीपैट का सावधानी से उपयोग पर दिया जोर। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत आतंक मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तापिर गाव ने कहा है कि राज्य में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा रविवार को की जाएगी। ईटानगर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा की 2 सीटों के लिए एक एक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अरुणाचल ईस्ट से उनका और अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का नाम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि राज्य विधानसभा के 60 सीटों के करीब 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। The state committee will recommend accordingly on 16th or 17th of this month. वो अनाउंस करेंगे दिल्ली से। किरण रिजिजू का नाम आया है वेस्ट में और ईस्टर्न में तापिर गाव का नाम आया है पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए ऑलमोस्ट 200 आया है। डेवलपमेंट के ही आधार पे ही हम मैनिफेस्ट करेंगे। एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब हम रखेंगे और साथ में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, ये हमारा टारगेट रहेंगे। इधर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ताकम संजोय ने कहा है कि पार्टी राज्य में लोकसभा की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन को ब्लॉक स्तर, जिला और राज्य स्तर की समितियों में विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी हम लोग का ब्लॉक इलेक्शन कमेटी लोग सबका नियम को रिकमेंड कर रहा है, वहां भी कमेटी बना दिया है। हम ग्रास रूट से रिकमेंड हो रहे थे, डायरेक्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमेटी में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो चेयरमैन है और डीसीसी प्रेसिडेंट जो है मेंबर सेक्रेटरी, इन लोग फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी को रिकमेंड करेगा। सून वी आर गोइंग टू हैव द प्रदेश इलेक्शन कमेटी मीटिंग, जल्दी से जल्दी फाइनल करके हम लोग AICC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी राहुल गांधी को हम सौंपेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। ईटानगर में आज आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चुनाव वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मतदाताओं के नाम दिए गए संदेश को प्रसारित करेगा। पार्टी का इलेक्शन कैंपेन के लिए 50 वीडियो वैन का आज शोभा यात्रा हो रहा है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक गाड़ी चला जाएगा, तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाएगा। तो इसमें हमारा प्रधानमंत्री का और हमारा चीफ मिनिस्टर का मैसेज रहेगा, हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट का भी मैसेज रहेगा। तो एक मैसेज सारे अरुणाचल प्रदेश में, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बीजेपी का लहर फैलाना चाहता है, हम बीजेपी का मैसेज देना चाहता है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, बीजेपी का क्या एजेंडा है।
लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में कल महिला मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मिताली नामचुंग ने मतदान कर्मियों से ईवीएम और वीवीपैट का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करने को कहा। उन्होंने चुनाव कर्मियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। क्या होगा कि सम वोटर में कंप्लेन, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी मिस्टीरियस, क्योंकि सम वोटर में कंप्लेन वोट करने के बाद कि साहब मैंने वोट दबाया लेकिन वो जो आया है उसमें वो मेरे कैंडिडेट को नहीं आके किसी और का कैंडिडेट का नाम आया है या जो भी आया है सिंपल आया, ठीक है। देन वॉट यू डू, यू विल स्टॉप एवरीथिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सप्लेन टू हिम कि अंडर द जो भी इलेक्शन रूल ऐसा है कि अभी आपने बताया कि आपने जो दबाया वो नहीं आया, जब मशीन खराब आप बोल रहे हो, ठीक है। अभी आपके बोलने पे हम सब अभी मिलके आपके साथ जो भी है जो जो अलाउड है वो जाएंगे, ठीक है। आपको फिर वोट करने को हम फिर एक बार और चांस देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की ओर से चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से आज डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो सर्विलेंस टीम तथा एमसीसी टीम के अधिकारियों को सिविजिल एप्स तथा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के खर्च का ब्यौरा और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर हो सकने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में नोडल ऑफिसर कोच याब्यांग ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रुपया बांटने अथवा शराब का वितरण करने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वही इस प्रशिक्षण शिविर में आए मास्टर ट्रेनर देवराज सिंह ने सिविजिल एप्स के बारे में बताते हुए कहा कि ये भारतीय चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण एप्स है जहाँ से कोई भी नागरिक चुनाव के दौरान हो रहे आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में आयोग को शिकायत कर सकता है और इसका तुरंत समाधान करने के लिए हर क्षेत्र में एक टीम बनाया जाएगा। वो सब गाड़ी उसका मेक रजिस्ट्रेशन नंबर और अगर ये मीटिंग है तो फर्नीचर फर्नीचर रोस्टर बनाया कि रोस्टर में साइज कितना है, डेनर डेनर भी कितना बड़ा है ना, वो सब आपको फ्लाइंग स्क्वाड के सामने काम करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जहाँ जैसे आपको अगर जहाँ एक्सपेंडिचर सेंसिटिव जगह है इंडिया है पॉकेट से उसके बारे में आपको बताया जाएगा तो उस जगह में आप लोग चेकपोस्ट को लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे चेकपोस्ट जब ये लगेगा तो आपको कुछ भी सामान सस्पिशियस हो, सामान हो या फिर कैश हो या लेकर बहुत लार्ज क्वान्टिटी में आप सब कुछ सीज करना पड़ेगा। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भारत ने यह भी कहा है कि वो आतंक से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करना है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और भारत के विरुद्ध आतंकवादियों का इस्तेमाल हर हालत में रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक राजनेता है लेकिन यदि वे उदार हैं तो उन्हें चाहिए कि वे जैश मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को भारत के हवाले कर दें। मैं पूछना चाहती हूँ किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, न तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, न तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो।
उन टेररिस्ट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ जैशे मोहम्मद। अब जो अपने आप को बहुत सच्चा दिखा रहे हो, नया सोच नया पाकिस्तान, तो जरा नया एक्शन भी करके दिखा दो, भेजो मसूद अजहर को, कर दो हमारे हवाले, हम समझ जाएंगे कि नया पाकिस्तान, नई सोच वाला पाकिस्तान नया एक्शन कर रहा है। जो बाकियों से संबंध है और इतने अच्छे हैं, इनसे भी हो सकते हैं, बशर्ते ये अपने यहाँ के आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां बंद करें, तो इनसे भी संबंध अच्छे हो सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सशस्त्र सेना कर्मियों को 3 कीर्ति चक्र प्रदान किए। श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य पुरस्कार और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को 15 परम विशिष्ट सेवा पदक, 1 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत भी शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत को ज्ञान केंद्रित और प्रौद्योगिकी आधारित भूमिका की आवश्यकता है। चेन्नई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत को नवाचार, संस्कृति और टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश विश्व में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सके। Gave a 3-line advice. He said, reform, perform, and transform. Transformation of the nation. This is the transformation he wanted in the nation. Because we are a country moving forward. The entire world is looking to India. And the Prime Minister has given a call for new India, where there is no hunger, where there is no corruption, एंटी करप्शन फोरम ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज ईटानगर में भ्रष्टाचार से विकास पर बुरे असर विषय पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर राज्य के पूर्व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक जोरम बेगी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार से त्वरित गति से विकास नहीं हो पाता। उन्होंने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया। इज दैट द डिग्री ऑफ करप्शन, इफ द करप्शन बिकम्स द रूल एंड ऑनेस्टी बिकम्स द एक्सेप्शन, देन इट बिकम्स मैटर ऑफ कंसर्न। अपर सुबनसिरी जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा आज तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस नाहरलगुन में रक्तदान शिविर लगाया गया। आपके रक्त का प्रत्येक बूंद लोगों को जीवन देगा विषय पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। आज विश्व किडनी दिवस है। ये दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य किडनी के महत्व और किडनी की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के विश्व किडनी दिवस का विषय है, सभी के लिए सभी जगह किडनी स्वास्थ्य। इस अवसर पर देश भर में किडनी तथा मधुमेह और उच्च रक्तचाप से किडनी को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस नाहरलगुन के चिकित्सक डॉक्टर राधे नातुंग ने लोगों से किडनी को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान ना करने की अपील की। पानी पीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखें। विश्व विशेष ओलंपिक खेल 2019 आज से आबू धाबी में आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में 200 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें 195 देश स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे और 5 देश पर्यवेक्षक होंगे। एशिया में पहली बार हो रहे 7 दिन के इस आयोजन में 7,500 एथलीट ओलंपिक के तर्ज के 14 खेलों में भाग लेंगे। इसमें भारत के 289 खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। सर्वाधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी
इस आयोजन को विशेष बनाती है। सऊदी अरब पहली बार अपनी महिला एथलीट भेज रहा है। विशेष ओलंपिक खेलों का समापन 21 मार्च को होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।